नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग एंडोक्राइन के अंतर्गत हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर हम लोग एक मॉडल देख रहे होंगे। ये मॉडल ऐसा लग रहा है कि गिटार लाइक इसका अपीयरेंस होता है, लेकिन उसका जो कुछ स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो रेड कलर का हम लोग दिखा रहे हैं, ये है पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखा जाए तो नेक ग्रीवा प्रदेश में होता है, इसके फ्रंट में होता था, नेक के फ्रंट में होता है, मिड लाइन में स्थित होता है। किस तरह से क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे साथ ही साथ। तो आइए देखते हैं थायराइड ग्लैंड क्या है। यहाँ देख रहे होंगे थायराइड ग्लैंड क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो क्या है थायराइड ग्लैंड? शील्ड शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो किस तरह से? शील्ड शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात थायराइड का जो मीनिंग होता है वो शील्ड होता है। जैसे शील्ड का मतलब होता है ढाल, शील्ड का मतलब होता है प्लेट या ढाल होता है। तो शील्ड शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पर जो है प्रोफ्यूज अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है। तो बोल रहा है रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि जो नेक की जो ब्लड सप्लाई होती है, जनरली हम लोग किस जानते हैं, तो जो ऊपर की तरफ जो हार्ट से कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उसके दो पर बाइफर्केट हो जाते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रेन में चली जाती है, जो कि सर्कमबिलिस के फार्म में होती है, और दूसरा जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ग्रीवा प्रदेश में अर्थात नेक प्रदेश रीजन में ब्लड सप्लाई देती है। तो इसके हम लोग ब्लड सप्लाई में बात करेंगे, इसलिए कह रहा है रिच ब्लड सप्लाई रेगुलेट। इसका फंक्शन देखा जाए इन जनरल क्या होता है, तो रेगुलेट BMR। तो BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ क्या करता है? स्टिमुलेट सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ। और साथ ही साथ क्या करता है कि ये सोमैटिक मीन्स शारीरिक, साइकिक मीन्स मानसिक, शारीरिक और मानसिक अर्थात सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस थायराइड ग्लैंड का, इसके थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फिर इसमें देखेंगे सिचुएशन। अब बात कर रहे हैं कि ये ग्रीवा प्रदेश अर्थात नेक रीजन में होता, तो सिचुएशन की बात कर लेते हैं। सिचुएशन में देख रहे हैं सिचुएटेड लोअर डाउन, सिचुएटेड लोअर डाउन एट द फ्रंट मीन्स ऑफ नेक। नेक का जो फ्रंट होता है, ये जो सामने व्यू देख रहा है ये नेक का फ्रंट है, उसके लोअर डाउन होता है। तो कह रहा है कि सिचुएटेड लोअर डाउन, लो डाउन है लोअर डाउन एट द फ्रंट ऑफ नेक, नेक के फ्रंट में लोअर डाउन होता है, बिलो एंड लेटरल टू द थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे बिलो एंड लेटरल टू द थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जनरली कि ये ह्यूमन है, इसका जो ये हिवाइड बोन है और हिवाइड बोन के जस्ट नीचे एक पर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसको नाम देते हैं थायराइड कार्टिलेज। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि थायराइड कार्टिलेज पर्टिकुलर लैरिंग्स का पार्ट होता है, तो लैरिंग्स के में हम लोगों ने पढ़ा था 9 कार्टिलेज हो जाते हैं, 9 कार्टिलेज में 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड स्ट्रक्चर में आपका TEC पढ़ा था, थायराइड क्रिक्वायर्ड और इपिग्लॉटिस हम लोगों ने देखा था। यहाँ थायराइड क्या है, ये अनपेयर्ड तरह से कार्टिलेजेस में है। तो ये इस रीजन में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो कहीं ना कहीं लैरिंग्स, इस लैरिंग्स का ये कार्टिलेज होता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज को हम लोगों ने देखा था, 2 लेमिना पढ़ा था, 2 लेमिना जो एंटीरियर, इस एंटीरियर पार्ट में इसका, और साथ ही साथ दोनों लेमिना का जो एंटीरियर बॉर्डर कहलाएंगे ये फ्यूज हो जाते थे दोनों लेमिना, और दोनों लेमिना क्वाड्रिलेटरल शेप थे, और ये इसके एंटीरियर लेमिना का एंटीरियर जो सुपीरियर पार्ट होता है उसको थायराइड नॉच होते हैं, यहाँ डिफरेंट एक नॉच बन रहा होगा। जबकि जो थायराइड कार्टिलेज का एंटीरियर जो बॉर्डर था उसका लोअर पार्ट जो कि पॉइंटेड था, इनलार्ज था, उसको नाम दिए थे लैरिंजियल प्रोमिनेंस या एडम्स एप्पल। जो हम लोग के केस में ये प्रोमिनेंस पार्ट होता है बोन का मिडिल पार्ट में लाइन में देखेंगे, यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे ट्रैक करना, तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एक तरह से लैरिंजियल प्रोमिनेंस, लैरिंजियल रीजन का प्रोमिनेंट पार्ट होता है जो कि थायराइड कार्टिलेज का इंटीरियर बॉर्डर का इन्फीरियर जो पॉइंट होता है वो प्रोमिनेंट होता है, दैट इज का लैरिंजियल प्रोमिनेंस। इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मेल के केस में जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, एक तरह से एडम्स एप्पल क्या है, थायराइड कार्टिलेज का एक पार्ट होता है, तो थायराइड कार्टिलेज से रिलेटेड होता है एडम्स एप्पल। फिर देखेंगे इसके जस्ट बिलो, तो बोल रहा है कि बिलो एंड लेटरल टू द थायराइड कार्टिलेज,
तो हम लोगों ने थायराइड कार्टिलेज के बारे में देखा। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे हम लोगों ने क्रिकॉइड कार्टिलेज देखा था, तो वो उसका सेकेंडरी बात होगी। थायराइड कार्टिलेज के बिलो और लेटरल एस्पेक्ट में, तो थायराइड कार्टिलेज ये है, इसका मतलब थायराइड कार्टिलेज का एंड पॉइंट कहाँ है, एडम्स, ये पॉइंटेड पार्ट जो होता है उसका थायराइड कार्टिलेज का एंड पॉइंट होता है। इसके बिलो एंड लेटरल साइड में हम लोग देखेंगे, तो बिलो मतलब यहाँ बिलो और लेटरल साइड में आप लोग का ये थायराइड ग्लैंड है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसके ये लोब होते हैं, ये इस्थमस होता है, इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से है, यहाँ पर देखेंगे अल्टीमेट, यहाँ पर ये मैन्यूब्रियम होता है और ये पर्टिकुलर जो होता है ट्रैकिया है, ये पार्ट ट्रैकिया है। और यहाँ पर देखेंगे ये एक तरह से फोर्थ ट्रैकियल रिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाया गया, इन जनरल स्ट्रक्चर्स आपके सामने ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं बनाएंगे तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन क्या था, सिचुएटेड लो एट डाउन, लो डाउन एट द फ्रंट ऑफ नेक, नेक के फ्रंट में होता है, लेकिन नेक के फ्रंट में पर्टिकुलर बिलो एंड लेटरल टू द थायराइड कार्टिलेज। ध्यान रखिएगा थायराइड कार्टिलेज के बिलो और लेटरल में होता है। तो हम लोग ये देख रहे होंगे, ये अब पर्टिकुलर थायराइड कार्टिलेज देख रहे होंगे, इसके बिलो और लेटरल साइड में ये जो दोनों पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के दोनों साइड में दो लोब होते हैं, बीच में कनेक्ट करने वाला इस्थमस होता है, कभी कभी इसका एक तरह से एक्स्ट्रा लोब होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ट्रैकिया इस तरह से जाती है, पीछे की तरफ ट्रैकिया कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से जाती है। तो हम लोग इसके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो थायराइड कार्टिलेज का जो अपर थायराइड कार्टिलेज, जो थायराइड ग्लैंड का जो अपर एंड और लोअर एंड, देखेंगे ये लेवल से, इस लेवल से शुरू करके इस लेवल तक है, अर्थात इस लेवल से इस लेवल तक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड है, ये इसका विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, एक्सटेंशन का मतलब होता है उसके टोटल, अगर टोटल मैक्सिमम उसका जो लेंथ होता है कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये ज़्यादा होता है, तो इसको देखेंगे एक्सटेंशन की बात कर रहा है। लाइज अपोजिट टू द वर्टिब्री C5, C6, C7 एंड T1। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो ये जो लेवल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने इसको डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखेंगे किसके किसके बीच में, C5, C6, C7 एंड T1। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम डायग्राम को थोड़ा सा और जूम करके बना दिया, तो थायराइड हिवाइड बोन हो गया, हिवाइड बोन के बाद ये थायराइड कार्टिलेजेस हो गया। थायराइड कार्टिलेज के बिलो बिलो एंड लेटरल साइड में हम लोगों ने क्या दिखा दिया, ये एक तरह से थायराइड ग्लैंड हो गया। अब थायराइड ग्लैंड का एक्सटेंशन देखेंगे यहाँ से लेकर, तो हम लोग देख रहे होंगे यहाँ से लेकर, तो देख रहे होंगे ये लगभग यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मतलब ये लेंथ पूरी पूरी हो गई, एक्सटेंशन हो गई। तो कहाँ से है, C5, C6, C7 एंड T1, तो फोर जो वर्टिब्री होती है उसके फ्रंट में होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो नेक के सबसे पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम के, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम के आगे की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्री है उसके आगे की तरफ थायराइड ग्लैंड होता है। तो सपोज करिए वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, जस्ट इंटीरियर पार्ट में देखा जाए तो ईसोफेगस होता है, उसके आगे जस्ट क्या होता है, ट्रैकिया होता है। उस ट्रैकिया, मान लीजिए लास्ट वाली पार्ट ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया पे कुछ इस तरह से चिपकी होती है, ट्रैकिया पे इस तरह से चिपकी होती है, और ट्रैकिया के पीछे मान लीजिए ईसोफेगस है, ईसोफेगस का लास्ट पार्ट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस तरह से देख रहे होंगे ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसके वर्टिब्रल कॉलम और ट्रैकिया के बीच में ईसोफेगस होता है, और देखेंगे ट्रैकिया पे चिपकी हुई स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ये होती है ये थायराइड ग्लैंड थायराइड कार्टिलेज। तो कहीं ना कहीं ट्रैकिया वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्री के फ्रंट में है। तो कह रहा है कि लाइज अपोजिट टू द वर्टिब्री ऑफ C5, C6, C7 एंड T1। तो इस तरह से है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड पॉइंट, अब इन तो जनरल बता दिया, इन जनरल अब इसके लोब और इस्थमस के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे एक्सटेंशन से पहले हम लोग को क्या पढ़ लेना चाहिए था, एक्सटेंशन से पहले हम लोग को पार्ट्स पढ़ना है। तो ये हेडिंग कहीं ना कहीं यहाँ रहेगी, इसको आप कर लीजिएगा। सिचुएशन के जस्ट बाद हम लोग पार्ट्स की बात करेंगे, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने मूल में जब पढ़ेंगे, तो एक्सटेंशन के बाद यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन के बाद हम लोग पार्ट्स की जो स्थिति है एक्सटेंशन से पहले कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कितने पार्ट होते हैं, हम लोगों ने यहाँ देखा तो टू पार्ट्स, दो लोब होते हैं। तो हम लोग दो लोब कौन कौन से होते हैं, देख रहे होंगे ये लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ये दो लोब हैं। तो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, इसका मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके राइट एंड लेफ्ट लोब हो गया, और इन दोनों लोबों को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे इस्थमस। तो देखेंगे ये दोनों लोब हो गया, राइट एंड लेफ्ट लोब हो गया, दोनों के बीच में ये इस्थमस हो गया, दो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे पार्ट्स, कभी कभी एक एक्स्ट्रा लोब भी होता है, कभी कभी जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा लोब बनाया है जिसको नाम दिया है कि पिरामिडल लोब, कभी कभी यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे पिरामिडल लोब या पिरामिडल प्रोसेस एक्स्ट्रा होता है, कभी कभी ऐसा पाया जाता है। तो टू लोब राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, साथ ही साथ इस्थमस होता है, दोनों लोगों को कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट लोब को, साथ ही साथ कभी कभी पिरामिडल प्रोसेस या पिरामिडल लोब भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए एक तरह से थायराइड ग्लैंड के। अब देखते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की बात हम लोगों ने कर दिया कि जो इसका एक्सटेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थात लाइज अपोजिट टू द वर्टिब्री C5 C6 C7 एंड T1 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसके जो पार्ट्स बोले कि अर्थात तो अब लोब का एक्सटेंशन देखेंगे और इस्थमस का एक्सटेंशन देखेंगे। तो जनरली हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये लोब का एक्सटेंशन है, तो यहाँ देखेंगे लोब, जो लोब ईच लोब एक्सटेंड मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज का लगभग मिडिल पार्ट होता है, ये पार्ट लगभग मिडिल पार्ट होता है थायराइड कार्टिलेज का, तो इसके मिडिल से तो शुरुआत होती है। तो कह रहा है कि ईच लोब एक्सटेंड मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, मतलब फ्रॉम द मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। तो कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ देखेंगे ये फोर्थ ट्रैकियल रिंग है, ये फिफ्थ ट्रैकियल रिंग है। तो कह रहा है कि मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से शुरू होता है ये पूरा एक लोब और कहाँ तक जाता है, फोर्थ आर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक रहता है। तो किसी में फोर्थ रहता है, किसी में फिफ्थ रहता है। तो ध्यान रखिएगा मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से लोब का स्टार्ट होता है एक्सटेंशन और कहाँ तक जाता है, फोर्थ आर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक ये जाता है। फिर देखेंगे इसके इस्थमस की बात करेंगे, तो हम लोगों ने लोब का एक्सटेंशन देख लिया, अब देखते हैं कि इसके इस्थमस का एक्सटेंशन अर्थात ये वाले पार्ट का एक्सटेंशन कहाँ पर है। तो ये जो दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा है ये जो बीच में पार्ट होता है इस्थमस, इसका एक्सटेंशन ये वाला पार्ट कितना हो, तो देखेंगे इस्थमस एक्सटेंड्स 2 to 4 ट्रैकियल रिंग्स। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, मीन्स जैसे ही इस्थमस के एबव देखेंगे, इस्थमस के एबव देखेंगे ये जो पार्ट है इसको हम लोगों ने दिखाया है ये ब्लू कलर की लाइनिंग से, ये है फर्स्ट ट्रैकियल रिंग। तो फर्स्ट ट्रैकियल रिंग कहने के इसके बिलो नहीं दिख रहा, तो सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग की बात कर रहा है। तो इस्थमस का एक्सटेंशन सेकेंड से लेकर फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक होता है। तो कह रहे हैं याद रखना है इसको, इस्थमस का जो एक्सटेंशन होता है वो सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक होता है। अब उसके बाद देखते हैं डायमेंशंस, तो डायमेंशंस की बात करेंगे। तो डायमेंशंस का मतलब होता है कि इसका मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ईच लोब का जो साइज होता है, तो डायमेंशंस का मतलब होता है मेजरमेंट अर्थात साइज कितना है। तो देखेंगे ईच लोब, जो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो एक लोब है, एक लोब चाहे राइट लोब की बात करें चाहे लेफ्ट लोब की बात करेंगे, ईच लोब और साथ ही साथ इस्थमस के बारे में देखेंगे। ईच लोब का जो मेजरमेंट होता है, ईच लोब 5 × 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि जो एक लोब का जो मेजरमेंट होता है या एक तरह से डायमेंशंस होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक तरह से मैक्सिमम जो लेंथ है कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और 2.5 सेंटीमीटर उसका विड्थ है और 2.5 सेंटीमीटर उसका विड्थ है। तो विड्थ और लंबाई चौड़ाई, जैसे कहते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक तरह से ऊंचाई उसका एक्सटेंशन ऊंचाई हो गया, लंबाई और चौड़ाई 2.5 हो गया और ऊंचाई जो होता है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ऊंचाई जो होती है इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो गया, बाकी लंबाई चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये बात हो गई इसके प्रत्येक लोब की। आइए देखते हैं कि अब इसके इस्थमस का जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस्थमस का डायमेंशन कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग देख रहे होंगे इस्थमस है, ये इस्थमस है, ये जो इस्थमस है इसका जो होगा यहाँ ये और ये कितना है, तो लगभग इक्वल होता है। तो यहाँ देखेंगे इस्थमस का जो डायमेंशन होता है 1.2 × 1.2 सेंटीमीटर होता है, 1.2 × 1.2 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होती है, तो यहाँ पर इस तरह से बात की गई है। और देखेंगे वेट की बात करेंगे, तो बुक में कहीं पर 20 ग्राम दिया है, कहीं पर 25 ग्राम दिया है, अगर एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 ग्राम इसका वेट होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को देखा, और थायराइड ग्लैंड में देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा होता है जो कि कभी कभी जो होता है, जो एक तरह से ये एक तरह से पिरामिडल लोब होता है, जो एक्स्ट्रा लोब हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है पिरामिडल लोब,
ये कनेक्ट होता है किसके थ्रू? कनेक्ट होता है हिवाइड बोन के थ्रू। तो देख रहे होंगे हिवाइड बोन से पिरामिडल लोब के बीच में एक अटैचमेंट है, उसका नाम दिए क्या नाम दिए हैं? लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी। लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी इस स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग लिंक का नाम है लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी। कभी कभी जब ये एक तरह से पिरामिडल लोब होगा तभी यहाँ पर आएगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट नहीं, ये हमेशा रहेगा लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी हमेशा रहेगा। अगर ये बीच में आपका थायराइड दो पिरामिडल लोब है उस तो उससे अटैच होगा, नहीं तो ये नहीं रहेगा, तो इसके इस थमस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मिडिल में अटैच हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ तक आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने थायराइड कार्टिलेज के मॉडल को थ्रू पढ़ने की कोशिश किया, और इस तरह से हम लोगों ने थायराइड कार्टिलेज का जो कुछ पार्ट था, इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, पार्ट्स, एक्सटेंशन, डायमेंशन एंड वेट के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम लोग इसके तरह से कैप्सूल्स और इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। धन्यवाद।